बड़े दुख की बात है कि कल हमारे देश के एक पूर्व सैनिक रामकिशन जी ने देश में ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन लागू कराने के लिए आत्महत्या कर ली, अपने प्राण दे दिए। रामकिशन जी ने चिट्ठी लिखी है जो आत्महत्या करने से पहले, उसमें उन्होंने लिखा है, वो मांग कर रहे हैं देश के डिफेंस मिनिस्टर से कि ओआरओपी को लागू किया जाए। और उसमें नीचे उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या इसलिए कर रहा हूं, अपने देश के लिए कर रहा हूं और अपने सैनिकों के लिए कर रहा हूं, उनको हक दिलाने के लिए आत्महत्या कर रहा हूं। ये बड़े दुख की बात है, पिछले 1-1.5 साल से हमारे देश के सैनिक ओआरओपी लागू कराने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया, ओआरओपी लागू कर दिया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया। अगर लागू कर दिया होता तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती? जितना बड़ा छलावा आज देश की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने सैनिकों के साथ किया है, उतना मुझे नहीं लगता कभी भी हुआ है। एक तो ओआरओपी लागू नहीं किया जिसकी वजह से रामकिशन जी को आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरा, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उसके अगले दिन केंद्र सरकार ने, हमें तो सेना को बधाई देनी चाहिए थी, उनको इनाम देना चाहिए था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, लेकिन इनाम देने की बजाय अगले दिन ऑर्डर पास कर दिया केंद्र सरकार ने, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को काफी जबरदस्त कटौती कर दी। डिसेबिलिटी पेंशन मतलब कि अगर आपके को किसी तरह की शरीर में क्षति आती है वॉर में, युद्ध में लड़ते हुए, तो सरकार आपको डिसेबिलिटी पेंशन देती है। तो वो डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर इतनी भारी कटौती कर दी सरकार ने, हमें तो डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ानी चाहिए थी कम करने की बजाय। और उसके कुछ दिन बाद, अभी थोड़े दिन पहले, सरकार ने सैनिकों के रैंक भी कम कर दिए। जैसे मैंने, मान लो पहले ब्रिगेडियर आईएएस के फलाना फलाने रैंक के बराबर होते थे, अब उनके रैंक भी कम कर दिए। तो ओआरओपी आपने लागू नहीं किया, आपने उनकी डिसेबिलिटी पेंशन खत्म कर दी, आपने कम कर दी, आपने उनकी रैंक कम कर दी। जितना, इतना बड़ा छलावा देश के सैनिकों के साथ हो रहा है, और फिर चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमें वोट दो, हमें सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमें वोट दो। जितना सेना के साथ छलावा और जितना सेना का राजनीतिक तौर पे दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि किसी भी, कोई भी सैनिक अगर दिल्ली का रहने वाला है और अगर वो शहीद हो जाता है, तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि देती है। पिछले 1.5 साल में हमने कई सिपाहियों को, कईयों को दिया है, कई लोगों को दिया है हमने। हमने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से, मैंने चिट्ठी लिख के मांग की थी भी ये पॉलिसी केंद्र सरकार भी लागू करे। उरी के अंदर अपने 19 जवान शहीद हो गए, 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकते थे हम उनके परिवार को? 19 करोड़ रुपए में कोई गरीब थोड़ी हो जाती केंद्र सरकार। लेकिन एक संदेश जाता है, सारे सैनिकों को लगता है भाई हाँ, हमारे बारे में सोचती है सरकार, लेकिन उसके ऊपर भी कोई मांग नहीं की, उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया। रामकिशन जी ने जो शहादत दी है, रामकिशन जी को 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, एक बार उनको सेना में काम करने के लिए और एक बार उनको स्वच्छ, वो अपने गांव के सरपंच थे तो अपने गांव के निर्मल गांव के लिए, एक बार उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अवार्ड मिला था। तो वो बहुत ही अच्छे सैनिक थे, 30 साल उन्होंने नौकरी की थी और अपने गांव के सरपंच भी रह चुके थे। उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। वो जिसके लिए उन्होंने शहादत दी, उस लड़ाई को अब हम सब लोगों को, पूरे देश को मिलके आगे ले जाना है। क्योंकि जिस देश के अंदर जवान और किसान आत्महत्या करने लगते हैं, उस देश का कोई भविष्य नहीं बचता। आज मैं मांग करता हूं, नंबर 1, कि जो ओआरओपी है वो पूरा का पूरा एज इट इज केंद्र सरकार लागू करे। दूसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशन कम की गई है उसको कम करने की बजाय उसको बढ़ाया जाए, जो पहले मिलती थी उससे ज्यादा दिया जाए। नंबर 3, जो सैनिकों की रैंक कम की गई है वो रैंक पहले जो जिस जो स्तर था वापस उसी स्तर पे लाया जाए। और चौथा, उरी के शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, उनके परिवार को सम्मान राशि दी जाए और ये पॉलिसी बनाई जाए कि कोई भी अगर सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और आखिरी बात कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पे राजनीति करना बंद की जाए। चारों तरफ ये जा जा के होर्डिंग लगा लगा के और
कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, हमें वोट दो, हमने सर्जिकल से, ये बंद किया जाए, राजनीति करना सैनिकों के साथ बंद किया जाए। जय हिंद।